सो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन लॉग एक्स होल रेज टू पावर फोर डी एक्स. लॉग एक्स को टी पुट कर सकते हैं, पर अगर हम लॉग एक्स को टी पुट करते हैं तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, पर वन अपॉन एक्स तो हमारे पास है नहीं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं. लॉग एक्स अगर टी है तो हम टी को लिख सकते हैं लॉग ई रेज टू पावर टी, क्योंकि देखो लॉग का फॉर्मूला होता है ना कि दिस विल बिकम टी लॉग ई, और लॉग ई तो वन होता है, तो ये टी ही हो गया. तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं. अब दोनों साइड लॉग आ गया, दोनों साइड लॉग हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई टी और डी एक्स हो जाएगा ई टी डी टी. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. जो ऊपर है लॉग एक्स माइनस थ्री वो हो जाएगा टी माइनस थ्री, और नीचे टी रेज टू पावर फोर, और ये जो डी एक्स है दिस बिकम्स ई टी डी टी. अब इसको न्यूमरेटर से स्प्लिट कर लेते हैं. टी अपॉन टी रेज टू पावर फोर हो गया वन अपॉन टी क्यूब माइनस थ्री अपॉन टी रेज टू पावर फोर. अब ध्यान दो तो ये फॉर्मूला बन गया ई एक्स प्लस ई एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स जो होता है वो होता है इसका इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. तो इसमें एफ एक्स तो नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल इज टी. एफ टी इज वन अपॉन टी क्यूब, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश टी, ये टी रेज टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री टी रेज टू पावर माइनस फोर विच इज माइनस थ्री अपॉन टी रेज टू पावर फोर. तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये एफ टी है, ये एफ डैश टी है और ये ई टी. तो आंसर इज ई रेज टू पावर टी इंटू एफ टी विच इज वन अपॉन टी क्यूब प्लस सी. अब हम ई रेज टू पावर टी की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज एक्स, एंड टी क्यूब इज लॉग एक्स होल क्यूब प्लस सी इज द आंसर.